हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। आज आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया की आज भी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई थी। लगभग लगभग 20% की गिरावट आज भी हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली। गिरावट के पीछे एक ब्रेकिंग खबर निकल करके आ रही है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मार्केट जो चल रही थी उसके बीच में खबर नहीं आई, परंतु मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो खबर यहाँ पे न्यूज़ पे आती है उससे पहले ही बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे उसके बारे में पता चल जाता है और इसका असर पहले ही शेयर प्राइस में हो जाता है। तो डराने वाली खबर है जो कि यहाँ पे वन ऑफ दी जो वोडाफोन आइडिया का प्रमोटर है उनके ऊपर सीधी सीधी खबर है। तो इसी के चलते आज 20% की मुझे लगता है गिरावट देखने को मिली और हो सकता है गिरावट कल भी कंटिन्यू हो। तो क्या ब्रेकिंग खबर है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आज की यहाँ पे गिरावट कितनी हुई है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है वो बताने की कोशिश करूंगा। 6 रुपये पे क्लोजिंग देखते देखते हो चुकी है अभी 1 रुपये 40 पैसे डाउन। 19% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पे एक समय पे 20% की गिरावट भी वोडाफोन आइडिया में चलती हुई नजर आ रही थी। और यहाँ पे वॉल्यूम देखे दोस्तों, वॉल्यूम देख के तंग रह जाओगे। पहले तो 6 रुपये पे क्लोजिंग, हाई बनाया 7 रुपये 35 पैसे का और लो 5 रुपये 95 पैसे का। मतलब कि आप लो को और क्लोजिंग को देखोगे तो इतना ज्यादा कोई भी डिफरेंट नहीं है, एकदम लो के आसपास ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो देख के आपकी खटिया खड़े होने वाले हैं दोस्तों। 127 करोड़ 24 लाख 88 हज़ार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 38 करोड़ 47 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखे 30% की है। वैसे देखा गया तो 39 करोड़ शेयर की डिलीवरी हुई है, देख के तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाएगी, कोई बोलेगा बहुत ही बढ़िया डिलीवरी है। परंतु 127 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग भी तो हुई है। हाँ, डिलीवरी बहुत ही धमाकेदार है, डिलीवरी बहुत ही ताबड़तोड़ उठाई गई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। परंतु बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर भी है, इस बात को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको जो ब्रेकिंग खबर निकल करके आ रही है सबसे पहले, और इसके अलावा भी 2-3 खबरें हैं, उस सबके बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। जो ब्रेकिंग खबर है वो पहले आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, टाइम भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 4 अगस्त मतलब कि आज का दिन और 7:11 पे एक खबर यहाँ पे रिलीज हुई है। और एक खबर रिलीज अभी हुई है परंतु ये बड़े लोगों को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, इसके चलते वो पहले ही यहाँ पे माल बेच के भाग चुके हैं। यहाँ पे देखिए कुमाल मंगलम बिल्ला जो कि वन ऑफ द प्रमोटर है, उसने स्टेप डाउन कर दिया है बोर्ड में से। मतलब कि जो उसकी पोजीशन थी एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे वोडाफोन आइडिया पे, उसको उसने क्विट कर दिया है। मतलब कि वो छोड़ चुके हैं अपनी पोजीशन वोडाफोन आइडिया में। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा धमाकेदार यह पे खबर है, बहुत ही बड़ा झटका भी है वोडाफोन आइडिया को। और अभी जो टेम्पररी इनकी जगह पे बिठाया गया है वो यहाँ पे हिमांशु कपानिया को बिठाया गया है। मतलब कि मेन बात कहने की यह है कि जो प्रमोटर है वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को छोड़ते हुए नजर आ रहा है। कल भी वोडाफोन पीएलसी ने बड़ा झटका दिया था, वो मैंने ऑलरेडी कल न्यूज के बारे में बताया, आज फिर से वो दोहराना चाहूंगा। उससे पहले बताऊं कि यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रही है तस्वीर वो कुमार मंगलम बिरला की है, और अभी उन्होंने जो बोर्ड में से इस्तीफा दे दिया है। उसकी जो पोजीशन थी बोर्ड में एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे, उसको उन्होंने क्विट कर दिया है। एकदम लेटेस्ट खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो आज की गिरावट के पीछे कारण बताए जा रहे हैं, कारण ऑलरेडी मैंने कल आपके सामने डिस्कशन भी किए थे, तो वो ही वन ऑफ द मेजर कारण थे। यहाँ पे देखे कि कल वोडाफोन पीएलसी ने यहाँ पे फ्रेश कैश डालने से मना कर दिया था। मतलब कि फ्रेश जो पैसे इन्फ्यूजन करने की बात को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। इसी के चलते यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में भारी दबाव देखने को मिला है। और भी खबरें हैं जो कि बताई जा रही है, यहाँ पे एक खबर और भी बताई जा रही है कि जो अभी फंड राइजिंग की जो बातें चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा धुंधली हो चुकी है, क्योंकि प्रमोटर खुद ऐसा मान करके चल रहे हैं जब तक गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन नहीं देगा कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा खुद कुमार मंगलम बिरला बता रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, प्रमोटर ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर ये इन्वेस्टरों का भरोसा कैसे रहेगा। और इसी के चलते यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि 20% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है वोडाफोन आइडिया पे। परंतु इसी खबरों के बीच एक बहुत ही धमाकेदार खबर भी है जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलीफ की सांस हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि खबर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। खबर ऐसी है कि रिलीफ पैकेज यहाँ पे जल्दी ही मतलब कि इसी महीने
गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर सकती है। या फिर देखिए रिलीफ पैकेज लाइकली टू अरेस्ट टेलीकॉम सेक्टर, हियर इज यू नीड टू नो, मतलब कि भारत सरकार एक रिलीफ पैकेज बना रही है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली जो कंपनी है वो भारत सरकार को भी पता है और आप सबको भी पता है कि वो वोडाफोन आइडिया है। और जो ये रिलीफ पैकेज में AGR का जो उसके ऊपर दबाव है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसको पूरी तरह से रिलीफ किया जा सकता है। मतलब कि AGR का जो दबाव है कंपनियों के ऊपर, चाहे बात कर लीजिए वोडाफोन आइडिया की या तो फिर भारतीय एयरटेल की, तो उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दी जा सकती है यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को, ऐसी बातें चल रही है। अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर होगी, इसमें कोई भी डोराय नहीं है। जिस तरह का प्राइस क्रैश भी हुआ है, बाइंग की मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, परंतु अब कुछ सिग्नल मिलने के बाद ही मैं आपको कुछ बाइंग करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि अभी ये जो रिलीफ पैकेज आएगा तो उससे पहले शेयर भाग भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एज ऑफ नाउ तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। अभी इस कंडीशन में आपको मैं फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। भले 6 रुपये वाला स्टॉक फिर से 8 रुपये चला जाए, तो 8 रुपये पे कंफर्मेशन के साथ फ्रेश बाइंग करने के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बतौर कि यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा के, यहाँ पे तुक्का लगा के 6 रुपये पे बाई करूँ और कल पता चले कि वो 5 रुपये चला गया है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है, हालांकि पैकेज की जो बातें चल रही है वो एकदम कन्फर्म बताई जा रही है। मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर के बताना चाहूँगा कि जो पैकेज की जो बातें हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी गई है। इसका प्रपोजल ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है और इसका अप्रूवल इसी महीने आ सकता है, मतलब कि अगस्त महीने में ही ये पैकेज का धमाका हो सकता है। और पैकेज में साफ साफ तौर पे बताया जा रहा है कि AGR का जो बोझ है कंपनियों के ऊपर, उसके ऊपर पूरी तरह से राहत दी जा सकती है। तो कब पैकेज आएगा और कब ये बातें चलेगी वो आगे आने वाला वक्त बताएगा, पर एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे जो मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिला था, कुमार मंगलम बिरला का जो इस्तीफा था, आज स्टेप डाउन कर दिया था, उसी के चलते मुझे लगता है आज बड़ी गिरावट ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे देखिए आज की क्लोजिंग 5.95 रुपये है, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप दूर की टाइम फ्रेम में देखोगे, बड़ी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट है और यहाँ से ही बाउंस बैक करने की कोशिश करी है। तो कोई अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकता है तो 5.90 रुपये का एसएल लेकर के करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बना सकते हैं। टेम्पररी पोजीशन बनानी है तो, चाहे वो इंट्राडे के लिए है या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो, अगर 5.90 रुपये का एसएल हिट होता है तो तुरंत ही एग्जिट करना है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। इंट्राडे में भी सेम सिचुएशन, और जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे सेम सिचुएशन, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो 6.25 रुपये और 6.45 रुपये के लेवल फिर से दिखाई दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर 10-15 पैसे का नीचे एसएल बनता है और आपको 30-40-50 पैसे का मुनाफा ऊपर मिलता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कहा जाएगा, क्योंकि अगर 5.95 रुपये नीचे के क्लोजिंग आ गई तो 5.70 रुपये अभी नेक्स्ट पड़ा होगा जहाँ पे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों 6.45 रुपये को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक 7 रुपये का लेवल दिखाई देना मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। RSI का लेवल डीपली ओवरसोल्ड 26 के आसपास का है, तो बहुत ही ज़्यादा वीक RSI का लेवल भी देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पे मैंने जीरोधा की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ऐसा करते हो, मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल डेट को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।